और जो जो लड़के हैं जो कि बाइक चलाते हैं, तो प्लीज उन सबसे मैं कहूंगी बाइक को जरा एहतियात से चलाए, रिस्क मत लें, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये दो पहियों की सवारी है। तो बस यही कहूंगी, आज का इतना सा पैगाम, मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी हुई और उन लोगों को अप्रिशिएट, जिन मोहल्ले वालों के यहाँ शादी थी तो उन्होंने इसकी वजह से अपनी शादी रोक दी, अपनी खुशियां रोक दी, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो आप सब लोग भी मुझे, तो ये बस सुन के तो पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो गया था, और खासकर मैं भी हो गई थी, क्योंकि ऐसी मौत ना बस हम पे एक किस्सा गुजरा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है और तकलीफ होती है, फिर अपने पुराने जख्म याद आ जाते हैं। तो बस इनकी मगफरत के लिए आप सब भी दुआ करो, अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे और अल्लाह ताला इनकी मगफरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं बात करूँ किसी हादसे की। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं देखा है किसी के कमेंट्स का आंसर देती हूँ, लेकिन जब मेरे मोहल्ले में से कोई कमेंट्स करता ना, तो मैं उनको बिल्कुल भी आंसर नहीं देती, और आंसर देने पर बंदा उनको भी आंसर देते, लेकिन उनके कमेंट्स ऐसे होते ना नेगेटिव होते, जैसे कि अब मैं मार्केट गई भाई, आप लोगों ने देखा तो देखा, चलो ठीक है, तो फिर से कह रहे होते हैं कि आज तो आप ये खरीदे थे, आज तो आपने ये पहना था, आज तो आपने ये पहना था, तो बिला वजह की टांग खींचते हैं लोग। तो इसीलिए ना देख ले, आप लोग इतने दूर के लोग हैं, तो मैंने आप लोग को फ्रेंड बनाया हुआ, आप लोग को आंसर दे सकती हूँ। तो ये तो मेरे नेबर्स, यानी कि सबसे पहले कहते हैं ना कि नेबर्स का हक होता है, नेबर्स के हकूक होते हैं, तो जब भी कुछ भी होता है खुशी गमी, तो सबसे पहले ना हमारे पास हमारे पड़ोसी आते हैं पूछने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, रिश्तेदार और फ्रेंड्स वगैरह दूर वाले लोग बाहर जाते हैं, लेकिन अब नेबर्स ऐसी हरकत करेंगे ना तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, और इसीलिए मैं इनके आंसर का जवाब नहीं देती। मगर सब भी ऐसे नहीं, अब जैसे मुझे कल कमेंट आया किसी का, हम जहाँ रहते हैं ना, हाँ, तो बात यह कि कल हमारे मोहल्ले में दो दिन पहले एक हादसा हुआ बाइक का, तो किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि सामने हमारे मोहल्ले में एक्सीडेंट हुआ है, आप गई थी, तो बट वो जो भी है अब लड़की है लड़का है, क्योंकि ना ये यूट्यूब की आईडी है, तो श्योरली मैं नहीं कह सकती कि लड़का ही है लड़की है, जो भी बहरहाल मुझे बेहतर कमेंट्स करते हैं, इसीलिए मैं उसके कमेंट्स का आंसर भी दे देती हूँ, और उसी के कमेंट्स पे मैं आज वीडियो बना रही। और जो हादसा हुआ ना हमारे मोहल्ले में, बुरा हादसा हुआ, इतना बुरा हादसा हुआ कि बस आप पूछे ही मत। तो हादसा ये हुआ कि बस तकरीबन 7 बजे के दरमियान वाइफ हस्बैंड थे दो, और एक जो मेरी शीजा है बीच वाली बेटी, उसी के जितनी बच्ची थी, तो बस ये लोग दरगाह के लिए गए, तो गए बेचारे साई सलामत जिंदा। फिर आप लोगों को पता है रोड है, तो बाइक एक्सीडेंट, बाइक फिसल गई खड्डे वड्डे में या कुछ ऐसा हुआ, पूरी तरह पता नहीं है मुझे ऐसा हुआ, मगर है ना, तो जो जो इनकी वाइफ थी ना, तो हस्बैंड और बच्ची तो बच गई, जो वाइफ थी वाइफ के ऊपर पूरा जो ट्राला होता है वो ट्राला पूरा उनके ऊपर से घूम गया, उनकी पूरी गर्दन अलग हो गई, अल्लाह माफ, ज्यादा बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो जाहिर सी बात है गर्दन अलग हो जाती है तो फिर ना इंसान बचता ही नहीं, तो ये किस्सा तो 2 दिन पहले का, मगर ना फिर मैं ऐसी बातें सुन लेती हूँ ना, मुझे बहुत अफसोस होता है, फिर मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं बात करूँ या उस बात को मैं याद करूँ, क्योंकि जो हकीकी मौत होती है ना बीमारी की वजह से होती है, हम बीमार रहते हैं, जो एज हमारी हो जाती है तो उस पर मौत होती है ना, तो उस पर इंसान को दुख होता है, पर इतना नहीं होता जितना दुख ना ये जो अननेचुरल मौत होती है ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। लड़की भी छोटी थी बेचारी, एक ही बच्चा था, तो हस्बैंड को तो अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ताला ने सेहत दी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कुछ भी नहीं हुआ, और जो बच्ची है बच्ची भी ठीक है, जान की सलामती है, थोड़ी बहुत खराशी आई है, उनको भी कुछ भी नहीं हुआ, बस ये छोटे से वाक्य की वजह से ये सब हो गया। अब ये तो नहीं पता कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं सबसे ये कहूँगी कि बाइक जो है ना बहुत ही डेंजर सफर है, हमारे यहाँ का तो डेंजरस है, क्योंकि बाहर मुल्कों में बाइकें होती है उस पर एक या दो बैठते, मगर हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम खुद भी बैठते हैं, साथ में चलाने वाला होता है, साथ में 3-4 बच्चे होते हैं, हमारा बैग होता है, हमारा सामान होता है, तो हमारे इलाके में हमारे एरिया में मुल्क में बाइक को गधे घोड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ बाइक को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये फर्स्ट किस्सा नहीं। अब इतनी हंसी खुशी 7 बजे के टाइम पे गए, और फिर मोहल्ले में हमारी शादी भी थी, इतनी मेहनत से उन्होंने अच्छा खासा सेटअप सजाया हुआ था, और अच्छा खासा सेटअप सजाया हुआ था, इनके यहाँ शादी थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये किस्सा हो गया, तो उन्होंने सारे अपने शादी को पोस्टपोन कर दिया, यानी कि जो कर दिया रोक दिया, और थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा रौनक थी तो गली में सन्नाटा छा गया, खुशी वाला माहौल बस सदमे में आ गया, और सबको ही दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जवान मौत
और ऊपर से ऐसी मौत ना बस पूछे नहीं दिल पे क्या गुजरती है बहुत। इनको मैं अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने अपनी शादी एक दिन रोक दी, यानी इतना हल्ला गुला, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे लोग नहीं है। अब तो जो ऐसा हो गया कि किसी का दुख होता है ना लोग कहते छोड़ो ना हमें क्या होने दो। मैं ऐसे नहीं कहती सारे लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे भी, उन्होंने अपनी इतना अच्छा सेटअप सजाया हुआ था तो इतनी मेहनत के बाद, पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्होंने अपना सेटअप खोल दिया, हल्ला गुला उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, टेप वगैरह ये वो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और हमें करना भी इसी तरह चाहिए, जब हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई दुख तकलीफ हो तो हमें उनके दुख में शामिल होना चाहिए, क्योंकि खुशी में एक बार के लिए ना हमें कोई बात नहीं, हम नाराज होते हैं किसी से तो किसी की खुशी में ना जाए तो चल जाता है, लेकिन जब भी कोई दुख हो, कहीं पे मौत मयत हो, कोई तकलीफ हो, किसी की आयादत करनी हो, तो वहाँ जरूर से जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे हमें अपनी नाराजगी को दूर रख के हमें जरूर जाना चाहिए, उनके साथ शामिल रहना चाहिए, क्योंकि ना पता होता है उसी को पता होता है जिसके दिल पे गुजर रही होती है उस तरह की अचानक मौत। अल्लाह ताला सबको बस ना अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ऐसी मौत से बचाए, बस क्या कह सकते हैं। वरना तो लोग तो बस ऐसे कहते रहते कि जिसके जैसे अमाल ऐसी, लेकिन ये अमालों पे और उस पे नहीं होता है, बस ये तो अल्लाह ताला को पता है और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं किसको मौत। लेकिन कहते हैं ना मौत जहाँ आनी होती है वहाँ आ जाती है, तो खुदा रहा लोगों को तंग करने के बजाय, किसी का दिल दुखाने के बजाय, छोड़ जरूरी नहीं कि आजकल के दौर में बीमारी पर मौत आती है बिल्कुल। तो मैंने ना मुझे तो वैसे इस बात पे वीडियो बनानी नहीं थी, क्योंकि मुझसे नहीं कहा जाता ये सब कुछ, तो बस ये इनका कमेंट्स आया तो मैंने कहा चले बना ही देते। और ये इस वाक्य की बात ना मैंने मोहल्ले में बहुत से लोगों को, लेडीज को, जेंट्स को कहते रहे ना कि यार आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, शोर तो अच्छा खासा है, घूम रहा है। तो अब हमें ना ये कहने के बजाय हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसे उसकी बच्ची के लिए बचा लिया, बच गया तो हमें उसकी सेहत की दुआ करनी चाहिए, बजाय कि उसके ऊपर तोहमत लगाए उसमें तो उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि बजाय सामने से सबके सामने से हंसते हुए खुशी खुशी निकले थे और ये किस्सा हो गया। बस ये किसी के हाथ में नहीं होता, किसी के कहने से किसी के करने से मौत नहीं आती है, मौत जहाँ आनी है जब आनी है वहाँ पर आके रहती है। और बस ऐसी मौत किसी को ना है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसके बाद बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। बाइक पे अक्सर किसी का व्यवहार जा रहा होता है तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है दिल में, मैं तो बस कहती हूँ कि ना उनको आवाज़ दो, ताकि क्योंकि बहुत सारे किस्से अभाय की वजह से भी हुए हैं। और ये जहाँ पे इनका ये किस्सा हुआ ना वहाँ का रोड तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है वहाँ पे ट्राले, अब ना अगले ट्राले वाले की गलती भी नहीं है, कहते हैं बस वो अचानक से गिरी और देख ले उसके। बस नौजवान लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी जो कि गाड़ियों को मैंने देखा है पे चलाते हैं, मेरे ना जो मोहल्ले वाले हैं, जो नेबर्स से रिश्तेदार से, सबको यही कहना चाहूंगी कि ये बाइक को जरा एहतियात से चलाना चाहिए। जब कभी बड़ी गाड़ी देखो ना तो जल्दबाजी ना करो, क्योंकि जल्दबाजी से बेहतर है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए हमारा घर पे कोई इंतजार कर रहा है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम तो नहीं करते, बड़ी गाड़ी जा रही होती तो गुजारा उसको रास्ता दे दे, क्योंकि इनके ब्रेक्स जल्दी से नहीं लगते हैं तो ये इनको इतनी ऊपर गाड़ी होती है इनको ज्यादातर दिखता भी नहीं। हालांकि जहाँ मेरी है ना मदर का घर है ना, तो वहाँ पे ये ट्राले बहुत ही ज्यादा होते हैं अक्सर, तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा होगा वो बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करते, कभी भी ऐसी गाड़ी आ रही होती तो वो 2 मिनट लेट हो जाते हैं, बोलते नहीं भाई यहाँ पे नहीं घुसना है, हमें बच्चे वाले लोग हैं। और जाहिर सही बात है ना, इसमें डरना और डरने की कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी ना इंसान को एहतियात करना चाहिए, इंतजार से बेहतर है, एहतियात जरूरी है, एहतियात करें, क्योंकि घर पे आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही होती है, तो खुदा रहा जल्दबाजी ना करें। खासकर तो बाइक वाले लड़कों को कहूँगी कि जिस तरह से लोग बाइक चलाते हैं ना बिल्कुल ही ना चला रहे होते हो, फिर हम जैसे बंदों को देखेंगे तो उनके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है, ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। बाइक की सवारी 2 पहियों की सवारी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सवारी है। और अब देख लो छोटे से किस्से से कितनी बड़ी बात हो गई। अब जाहिर सी बात है कि चलो हस्बैंड तो शादी करने को कर ही लेंगे, लेकिन बच्ची जो अपनी माँ होती है जैसे पैदा किया होता है नहीं होता है, माँ तो माँ होती है, चाहे सुतेली माँ आ भी जाए कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अपनी माँ की जैसी माँ होती है तो हमें एहतियात करना चाहिए। और सबसे यही कहूँगी कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हम तो अपनी छोटी गाड़ी का, हम अक्सर बड़ी गाड़ी में भी निकलते थे ना तो हम ना बस लोगों को रास्ता दे देते थे, खुद साइड हो जाते थे, एहतियात करते थे, बाकी हम एहतियात करेंगे, बाकी सब कुछ तो अल्लाह ताला। हाँ तो ये बस सुन के तो पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो गया था और खासकर मैं भी हो गई थी, क्योंकि ऐसी मौत ना बस हम पे एक किस्सा गुजरा है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है और तकलीफ होती है, फिर अपने पुराने जख्म याद आ जाते हैं। तो बस इनकी मगफरत के लिए आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे और अल्लाह ताला इनकी मगफरत कर। मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन लोगों को अप्रिशिएट जिन मोहल्ले वालों के यहाँ शादी थी तो उन्होंने इसकी वजह से अपनी शादी
रोक दी, अपनी खुशियां रोक दी, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो आप सब लोग भी, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह लोगों का साथ देंगे, लोगों के दुख में शामिल होंगे, क्योंकि हम ना इबादत तो पूरी तरह कर ही नहीं पाते, तो इससे बेहतर है कि हम छोटी छोटी नेकियां करें और अल्लाह ताला हम सब की इसलिए हम अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे। हम सब और जो जो लड़के हैं जो कि बाइक चलाते हैं, तो प्लीज़ उन सब से मैं कहूँगी बाइक को ज़रा एहतियात से चलाएं, बिल्कुल भी बाइक को सीरियस मत लें, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये दो पहियों की सवारी है। तो बस यही कहूँगी, आज का इतना सा पैगाम था, इसके साथ ही लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हम ने उठा लिया।